मामूली विवाद पर एक युवक को लाठी डंडे से इतना पीटा कि अधमरा हो गया। पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद भी पिता न्याय के लिए पुलिस अफसरों के चक्कर लगा रहा है। 6 अगस्त को हुई इस घटना के बाद से पुलिस अब तक इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई है। इसकी शिकायत हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने तहरीर लेने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पीड़ित ने पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहानी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहानी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। है कुछ मारपीट का मामला है, वहाँ पर ट्रक में किसी के साथ मारपीट हुई थी। अभी ये जांच तलब कर रखा है, तो अभी मैं भी थोड़ा अपडेट ले लेता हूँ इसमें। अभी तक क्या स्टेटस है? हम शोभराज आसवानी, मेरे बेटे के साथ घटना हुई है 6 तारीख को। मैं रोज जा रहा हूँ, आ रहा हूँ और कोतवाली में आता हूँ, मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। लोगों ने हॉकियों से, डंडों से उसको मारा है। पुलिस ने कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। करे करे अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है? नहीं हुई है। कौन लोग थे मारने वाले? मारने वाले माहौल वाले हैं, और वहाँ पर 5-6 जनों को तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन ये लोग कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। धरना सेंटर रामपुर रोड, इंचार्ज को भी दिखा दिया, कोई भी इसके बारे में कार्रवाई नहीं करने को रहा है। इसके लिए वो लोग पार्टी वाले जबरदस्ती मुझसे कह रहे हैं कि तू बुड्ढे कॉम्प्रोमाइज करेगा या नहीं करेगा, बोल बता। इस तरह की मुझे धमकी आगे दे जा रहे हैं।